सो हाय फ्रेंड, तो कैसे आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस राइडर पर शोभन। आज जो वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो इस बाइक के ऊपर वीडियो है। ये न्यू बजाज पल्सर 125 स्प्लिट सीट वाला वेरिएंट जो कि आप देख रहे हो, एंड पीछे पर आप गैस चेकआउट कर सकते हो स्प्लिट सीट है कि नहीं। एंड यहाँ पर देख सकते हो 125 का बैजिंग दे रखा है। ये बाइक जो है वो 125 सीसी का बाइक है, सो उसके लिए 125 का बैजिंग दे रखा है। एंड इस बाइक का जो रिव्यू करने जा रहा हूँ वो इस बाइक का मीटर कंसोल को लेके है, मतलब मीटर कंसोल फुल एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर करूंगा। सो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना गाइस। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना माय चैनल पर इस राइडर पर। सो चलते हैं, अभी बात करते हैं इसका जो मेन सब्जेक्ट है मीटर कंसोल को लेके। मीटर कंसोल आप देख सकते हो गाइस कि ऑन करने के टाइम में सारे चीज एक बार रिपीट हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो मैं की ऑन किया हूं एंड सारे चीज एक बार रिपीट हो गया है। एंड गाइस इस बाइक में जो मीटर कंसोल दे रखा है वो एनालॉग प्लस डिजिटल कॉम्बाइन करके दे रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में आरपीएम मीटर दे रखा है जो कि 12,000 आरपीएम तक जाता है। एंड उसके नीचे पर गाइस चेकआउट कर सकते हो आरपीएम लिमिटर का भी इंडिकेटर दे रखा है जो कि 125 सीसी के हिसाब से देखा जाए तो काफी बढ़िया बात है भाई। मतलब ऐसा 125 सीसी के बाइक में नहीं दिखने को मिलता है। सो ये मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना। एंड लेफ्ट साइड में दे रखा है डिजिटल मीटर कंसोल जो कि मतलब आप बोल सकते हो डिजिटल मीटर कंसोल पर ही सारे चीज है, सिर्फ आरपीएम मीटर ही एनालॉग में दे रखा है। एंड अभी बात करते हैं डिजिटल मीटर का, पहले ही आता है फ्यूल का जो कि आप देख सकते हो डिजिटल मीटर कंसोल के लेफ्ट साइड में बिल्कुल फ्यूल का बार दे रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो अभी 2 बार उठ रखा है। सो अभी फ्यूल है उसके वजह से। एंड ऊपर में आप देख सकते हो साइड स्टैंड इंडिकेटर दे रखा है जो कि लिखा हुआ है इंग्लिश में साइड स्टैंड बोल के। एंड उसके साइड पर भी और एक इंडिकेटर है, वो है वो क्या बोलते हैं बैटरी लो का इंडिकेटर भी दे रखा है साइड स्टैंड इंडिकेटर के साइड पे। वो की ऑन करने के टाइम में दिखा था, अभी नहीं दिखाएगा क्योंकि अभी बैटरी बिल्कुल सही है, बैटरी का जब इश्यू होगा तभी वो दिखाएगा गाइस। वो भी आपको गाइस बता दिया हूं। एंड गाइस इस बाइक का जो डिजिटल मीटर है उसके बिल्कुल बीच में दे रखा है स्पीडोमीटर जो कि आप देख सकते हो 0 बड़ा सा लिखा हुआ है। एंड उसके नीचे पर दे रखा है गाइस ओडोमीटर, यहाँ पर देख सकते हो ओडो लिखा हुआ है। एंड उसके साइड पर लिखा हुआ है 1800 किमी, मतलब टोटल ये बाइक चला है 1800 किलोमीटर चल चुका है बाइक। सो लिखा हुआ है ओडोमीटर पे। एंड उसके साइड पर देख सकते हो ट्रिप 2 कितना किलोमीटर चला है वो दिखा रहा है। एंड अगर राइट साइड पे जो रिसेट का बटन है उसको एक बार प्रेस करोगे तो ट्रिप 2 से ट्रिप 1 भी हो जाएगा, मतलब एक बार करके प्रेस करोगे तो ट्रिप 1 और एक बार प्रेस करोगे तो ट्रिप 2 हो जाएगा। अगर इसको अगर रिसेट करना चाहते हो तो जो रिसेट का जो बटन है उसको प्रेस करके रखना पड़ेगा, देन उसके बाद ही ट्रिप 1 या फिर ट्रिप 2 रिसेट हो जाएगा। सो ये भी आपको गाइस बता दिया हूँ। एंड उसके नीचे पर देख सकते हो न्यूट्रल का इंडिकेटर दे रखा है जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, न्यूट्रल का लाइट जल रहा है। एंड उसके लेफ्ट साइड में दे रखा है इंडिकेटर जैसे कि आप देख सकते हो अभी इंडिकेटर ऑन करके साइड इंडिकेटर ऑन करके दिखा रहा हूँ। एंड उसके राइट साइड पे दे रखा है न्यूट्रल के राइट साइड पे दे रखा है पासिंग का इंडिकेटर, वो भी आपको गाइस चेकआउट कर दिया हूँ। एंड उसके राइट साइड पे दे रखा है पासिंग के राइट साइड पे दे रखा है एपीआई का इंडिकेटर जो कि ये आप देख सकते हो गाइस ये किल स्विच ऑन करने के टाइम में जलता है, एंड किल स्विच अगर ऑफ रहेगा तो ये नहीं जलेगा। सो ये भी गाइस आपको बता दे रहा हूँ, अगर किल स्विच ऑफ रहेगा जैसे कि आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो किल स्विच अभी ऑन कर दिया हूँ। एंड वो पर देख सकते हो जो एपीआई का इंडिकेटर है वो जल रहा है, अगर मैं किल स्विच को ऑफ कर दूंगा तो एपीआई का इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा गाइस, चेकआउट कर सकते हो ऑफ हो गया है एपीआई का इंडिकेटर। सो ये भी आपको गाइस बता दिया हूँ। 150 सीसी के बाइक में 0 जो है वो भी चला जाता है, सो इसमें वो 0 नहीं चला जाता है बट एपीआई का जो इंडिकेटर है वो चला जाता है। जो जो चीज़ था आपको सारे चीज़ दिखा दिया हूँ एंड बता भी दिया हूँ, और कुछ जानना है तो कमेंट करके जरूर बता सकते हो, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई दूंगा गाइस जरूर। एंड अभी आपको एक बार स्टार्ट करके बाइक को आरपीएम मीटर भी एक बार चेकआउट कर देता हूँ कि आरपीएम मीटर कैसा मतलब दिखने लायक है, वो आप गाइस चेकआउट कर सकते हो। अभी स्टार्ट कर दिया हूँ एंड अगर लेफ्ट करूँगा तो आप देख सकते हो आरपीएम मीटर 4000-6000 तक जाके दिखा दिया हूँ। एंड और एक बार फुल लेफ्ट करके आपको दिखा देता हूँ आरपीएम लिमिटर का जो इंडिकेटर है वो जलता है कि नहीं, आप देख सकते हो गाइस। गाइस आप चेकआउट कर सकते हो आरपीएम जो लिमिटर का जो इंडिकेटर है वो जल गया था जब मैं रेप किया था। सो मतलब थोड़ा सा रेप किया था, ज़्यादा करोगे तो मतलब आरपीएम लिमिटर का लाइट जलता ही रहेगा। सो हो गाइस वो भी गाइस आपको दिखा दिया हूँ। एंड स्विच का क्वालिटी वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो बाइक का, एक बार आपको ये भी दिखा देता हूँ गाइस चेकआउट कर सकते हो पासिंग वगैरह। एंड स्विच में लाइट वगैरह जलता है नाइट में जो कि दिखने में काफ़ी बढ़िया है, व्हाइट कलर का लाइट जलता है स्विच में। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो किल स्विच वगैरह राइट साइड में दे रखा है, सेल्फ का स्विच भी दे रखा है। सो बस गाइस यहाँ पर ही वीडियो को एंड कर रहा हूँ। 125 सीसी का जो मीटर कंसोल का एक्सप्लेंट आपके साथ शेयर किया हूँ, वो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहीं पर भी कुछ मिस हो जाता है, अगर मेरे को तो लग रहा है कोई कुछ भी मिस नहीं हुआ है, सो फिर भी कहीं पर भी कुछ मिस हो जाएगा तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई दूंगा जरूर गाइस।
सो गाइस ये पर ही वीडियो को एंड कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ऑब्वियसली कमेंट करके बताना। छोटा सा एक वीडियो था मीटर कंसोल का फुल रिव्यू, मतलब मीटर कंसोल को एक्सप्लेन किया हूँ। सो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना माय चैनल पर एसर राइडर पर। सो चलते हैं भाई, मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया वीडियो लेकर आपके साथ। सो बाय।